नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान और SSC सभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है वापस और लॉकडाउन लगभग खत्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और क्विक रिविजन के लिए ट्रिकी डोज की तरफ से एग्जाम एक्सप्रेस नाम से क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और उस क्वेश्चन की सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर और उनकी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, इश्यूज होंगे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान उत्तर पूर्व में आया हुआ है ग्लोब के और भारत भी हमारा ग्लोब के उत्तर पूर्व में आया हुआ है। उसी के कारण राजस्थान पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो देखिए, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ में लगाता है और नेशनल बॉर्डर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में लगाता है सीमाएँ। इसके अलावा राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें तो ये एक विषम कोणीय चतुर्भुज के बराबर है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जैसे कि राजस्थान की अगर हम पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है, जबकि हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की तो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 342,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि इंडिया के क्षेत्रफल का 10.43% हिस्सा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान देश का पहला राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 8वां राज्य है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये 1,070 किलोमीटर का सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। दोस्तों, इसके अलावा बाकी चीजें हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले कितने हैं। दोस्तों, एक काम कीजिए, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और अपने हर राइट क्वेश्चन के लिए खुद को 1 मार्क दीजिए और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -0.3 मार्क्स कट कीजिए। दोस्तों, देखते हैं कि एंड तक आपके कितने मार्क्स आते हैं और आपके मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 6 जिले। और 6 जिलों की बात करें तो पहला जिला है जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद में बीकानेर और उसके बाद में बाड़मेर, फिर जोधपुर, नागौर और चूरू। दोस्तों, ये 6 जिले हैं जो कि राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, आंसर की बात करते हैं तो 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहाँ से शुरू होता है। जैसे कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसी तरीके से मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। और आंसर की बात करें तो जोधपुर शहर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, यानी कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर जिले के कितने गुना क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में किस जिले से 70 डिग्री ईस्ट यानी कि 70 डिग्री पूर्व देशांतर गुजरती है। तो बताइए कौन से जिले से राजस्थान के 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो 70 डिग्री पूर्व देशांतर राजस्थान में जैसलमेर जिले से होके गुजरती है। और इसके बारे में एक बार जानते हैं देशांतर और अक्षांश के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के विस्तार की बात करें तो ये फैला हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है।
और अगर हम देशांतरी अवस्था की बात करें तो 59 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि ये सिर्फ पूर्व देशांतर और उत्तरी अक्षांश के बीच में क्यों फैला हुआ है, तो जैसा कि मैंने सेशन के पहले ही बता दिया था कि भारत और राजस्थान दोनों ही ग्लोब के उत्तर पूर्व दिशा में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बनाया गया है? दोस्तों 33वां जिला लगभग सभी को पता है, लेकिन 32वां जिला कौन सा है इसके बारे में बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर है करौली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बताइए दोस्तों राजस्थान के साथ में सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्य सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के सिर्फ दो जिले हैं जो कि राजस्थान के दो जिलों से टच करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में घास के मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? और दोस्तों इसका सही जवाब है बीड़, यानी राजस्थान में बीड़ कहा जाता है जो घास के मैदान और चरागाह उनको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, यानी कि 7.96 लगभग 8% के बराबर अंश रखता है बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने इस सेशन के स्टार्ट में ही बताया था, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीकानेर का क्षेत्रफल कितना होगा। 8% निकाल दीजिए राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो ये लगभग आता है 27,244 किलोमीटर के आसपास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी प्रसार के लिए कौन सा गाँव जाना जाता है जैसलमेर जिले का? इसके ऑप्शन भी तगड़े दे रखे, नाचना बोलना गाना और सुनना। तो इसका सही जवाब है नाचना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? हिंदू ओलंपस की बात करें तो ये कहा गया था मोंटाबू को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाना जाता था? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, यानी कि कौन से जिलों का क्षेत्र है जो कि महाभारत के टाइम में जंगल देश के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बीकानेर, और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो जंगल देश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कुछ प्रादेशिक नाम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बीकानेर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र है जो कि जंगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का क्षेत्र माड़दरा के नाम से जाना जाता है, और जो कि पुरानी जोधपुर रियासत थी वो पूरा एरिया मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बाड़मेर जालौर जोधपुर पाली और नागौर का क्षेत्र आता है। फिर मेवाड़ में उदयपुर संभाग का लगभग क्षेत्र आ जाता है, वागड़ में नीचे वाले दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कांठल में प्रतापगढ़ जिला आ जाता है, हाड़ौती में कोटा बूंदी और झालावाड़ बारा ये सब जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। मत्स्य की बात करें तो अलवर भरतपुर और करौली मत्स्य क्षेत्र में आते हैं। ढूंढाड़ में जयपुर टोंक दौसा सवाई माधोपुर ये क्षेत्र ढूंढाड़ में आते हैं। शेखावटी की बात करें तो चूरू सीकर और झुंझुनू ये जिले आते हैं शेखावटी में, और अयोध्या में आप जैसे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को देख सकते हैं सबसे ऊपर है। आगे डिस्कस करते हैं अगले क्षेत्र को, सॉरी अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोडवाड प्रदेश राजस्थान के किस व्रत भू आकृति विभाग का भाग है? दोस्तों गोडवाड प्रदेश राजस्थान के कुछ व्रत भू आकृति का भाग है, भू विभाग का भाग है। इसका सही जवाब होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, गोडवाड क्षेत्र पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है। अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? दोस्तों राजस्थान के उन जिलों का नाम बताना है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय किसी भी सीमा से नहीं लगती है, तो उनका सही जवाब आप एक बार देख लीजिए।
ए ऑप्शन है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। दूसरा बी ऑप्शन है सिरोही, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर। सी ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, बांसवाड़ा। और डी ऑप्शन है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये पांच जिले हैं वो किसी भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर रहता है, यानी कि दोस्तों जो राजस्थान का पूर्वतम हिस्सा है और जो पश्चिमतम हिस्सा है, दोनों के बीच का समय अंतराल कितना रहता है। इसकी कैलकुलेशन वैसे दोस्तों आप देशांतरीय रेखाओं के द्वारा करते हैं, और इसके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। हमारे जो ज्योग्राफी की क्लास लगती है उसके बाद उसका लेसन देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है उसमें अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं को। दोस्तों इसका सही जवाब है 36 मिनट, लगभग 36 मिनट के बराबर लगती है पूर्व और पश्चिम राजस्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग किसके उत्तर में स्थित है, यानी कि राजस्थान का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कौन सी रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है राजस्थान का मोस्ट ऑफ पार्ट, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है। दोस्तों राजस्थान के किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है बताइए। और दोस्तों इसका आंसर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है। इसके अलावा अगर हम पाली जिले के बारे में बात करें तो ये राजस्थान का सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 7 अन्य जिलों के साथ में लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो देश में सबसे बड़े जिलों में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जो कि देश में सबसे बड़े जिलों में एक है। अगर हम बात करें राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो उसके बारे में आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों चूरू जो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खेजड़ली किस जिले में स्थित है। दोस्तों खेजड़ली भी अपना एक अलग ही इतिहास रखता है। खेजड़ली के बारे में बात करें तो यहाँ पे विष्णु संप्रदाय के लोग अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्षों से छिपक कर अपनी जान दे दी थी, और ये पूरे देश में वन रक्षा के लिए सबसे अनूठा उदाहरण पेश किया था। तो दोस्तों खेजड़ली किस जिले में स्थित है इसके बारे में बात करें तो खेजड़ली वर्तमान में जोधपुर जिले में आता है। इसके अलावा बात करें गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर में से कौन सा एक जिला पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं लगाता है। दोस्तों मैंने मैप 2 बार दिखा चुका हूँ, आप बताइए कि कौन सा जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। और दोस्तों इसका सही जवाब है जालौर जिला पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। अगर आपको पता रखना है कि कौन कौन से जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं तो आप बीज बाग, ये एक शॉर्ट ट्रिक है उसके तरीके से याद रख सकते हैं। बीज बाग यानी कि बीकानेर जोधपुर, सॉरी बीकानेर जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, ये 4 जिले हैं जो कि इनके साथ में सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9.3% क्षेत्रफल में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। इसके अलावा सब जगह बालुका स्तूप पाए जाते हैं पूरे रेगिस्तान में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान में किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला है जो कि लगभग समान प्रतिशत अंश रखता है, यानी कि दोस्तों वह कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से
राजस्थान में समान स्थान रखता है और समान प्रतिशत अंश रखता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिरोही। सिरोही जिला है जो कि राजस्थान में समान प्रतिशत में जनसंख्या और उसी समान प्रतिशत में उसका क्षेत्रफल है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जो भी दोस्त आपके जो दोस्त है पटवारी या फिर SSC या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये सजेशन जरूर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सीरीज चालू हुई है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। थैंक यू दोस्तों।